हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर को, यानी कि एक नए टॉपिक को, जो कि रहेगा रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। हम लोग जी रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, इसीलिए जी रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि अगर हम लोग इसी तरह जिंदा रहना चाहते हैं तो जरूरी है हम हर समय सांस लेते रहें, यानी कि जिंदगी जीने के लिए हमारे लिए सांसें बहुत जरूरी है, राइट। तो उन्हीं सांसों की प्रोसेस को, ब्रीदिंग को, कि सांस लेना सांस छोड़ना क्या होता है। देखो, छोटी छोटी बातें तो आप सभी जानते हो कि हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी में उससे क्या होता है ये आप नहीं जानते। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, हम लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं रेस्पिरेशन, वो भी सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिका श्वसन। क्या होता है कोशिका श्वसन स्टूडेंट्स? तो देखिए, आपको याद रखना है, देखिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो ऑक्सीजन लेती है, ठीक है। एक चीज आप जानते हो, हम पाचन पढ़ चुके हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है, याद है? वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है और ब्लड से हमारे सेल में जाता है, ठीक है। अब जो हमारी सेल है ना, जो हमारी सेल है उसके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना ग्लूकोज बैठा इंतजार करता होता है कि मेरा दूसरा साथी आएगा और मैं बल्ले बल्ले करूंगा, ठीक है। तो दूसरा साथी होता है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जब इसके पास पहुंचता है ना, तब ये दोनों जुड़ते हैं और फिर बनाते हैं यहाँ पर क्या, एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनर्जी। और साथ में देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम एक्सहेल करते हैं। और ऑक्सीजन लेना, अंदर जाके एनर्जी बनाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये पूरी प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है, ठीक है। लेकिन मोटी मोटी बात क्या है कि रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट, श्वसन क्या है? श्वसन है प्रोसेस ऑफ रिलीविंग एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन से ऊर्जा जारी करने की प्रक्रिया है, क्या? श्वसन। उसके बाद ये कहाँ होता है? तो ये इनसाइड द सेल, यानी कोशिका के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या याद रखना है, रेस्पिरेशन इज एन एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। देखो, हम लोगों में, मैंने बता दिया कि रेस्पिरेशन एनर्जी बनाता है, और हम लोगों को अगर कुछ भी करना है, मतलब मैं बैठी हूँ ना खाली, मैं सो भी रही हूँ, तो सोने के लिए भी मुझे क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कौन देता है? ऊर्जा देता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा मैं बोल सकती हूँ प्रक्रिया है हमारी बॉडी वाली, जिससे कि ऊर्जा बनती है कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। हमारे जिंदा रहने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए वो रेस्पिरेशन बना दिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या याद रखना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि देखो, हमारी बॉडी में कुछ चीजें मिलकर काम करती है, तभी कोई चीज चलती है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए पूरा एक सिस्टम, पूरी एक प्रणाली काम करती है, पूरा एक अंग तंत्र है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है। दो स्टेप में होता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, एक सेकेंड, सबसे पहले आप लोग ऑक्सीजन लेते हो और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। एक स्टेप तो ये हो गया, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, एक चीज ये होगी, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग। और फिर अंदर जाके यही ऑक्सीजन कार्य करती है, इसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम इन दोनों चीजों को अलग अलग करेंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग आता है, सबसे पहले क्या आता है, ब्रीदिंग आता है। Mechanism by which organism obtain oxygen from the air and release carbon dioxide, यानी कि oxygen लेना और carbon dioxide छोड़ना क्या है, breathing कहलाती है। यह एक physical process है, यानी कि एक भौतिक process है, शारीरिक प्रक्रिया है, यानी हमारी body करती है। और इसके अंदर हमारे lungs use होते हैं। क्या use होते हैं? हमारे lungs यानी कि फेफड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन क्या चीज है, फिर श्वसन क्या चीज है। पहला स्टेप ब्रीदिंग हो गया। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि जटिल प्रोसेस है। इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग, इसके अंदर सांस लेना देना भी होता है, एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल, यानी कि साथ ही साथ फूड का ऑक्सीडेशन। अब आप बोलोगे मैम, फूड का ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेल में हमारा ग्लूकोज इंतजार कर रहा है, किसका? ऑक्सीजन का। और जैसे ही सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगी, ये बना देगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी।
तो देखो जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसीलिए बोलेंगे खाना क्या है, ग्लूकोज, और ऑक्सीडेशन मतलब उसका ऑक्सीकरण, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो बायो यानी जीव जंतु इन्वॉल्व है, केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन कहाँ होती है, तो आप देख पा रहे हैं रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जहां पर फूड की ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद होता है स्टूडेंट रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जहां पर ऑक्सीजन है उसे बोलते हैं वायुवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, वायुवीय श्वसन। ठीक है, क्योंकि वायु है, ऑक्सीजन है, तो आपको दिख रहा है इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये हमें ज्यादा एनर्जी देती है, अधिक ऊर्जा पैदा करती है, इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। जैसा कि मैंने बताया ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। जो मैं रिएक्शन लिख रही हूँ ना ये वाली, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो हमें मिलेगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और एनर्जी भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मिलती है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, हियर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट इन साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो अगर इस रिएक्शन को और डिटेल में लिखते हैं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले आपके पास होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, 6 कार्बन है ना, ये टूटता है और बनाता है पाइरूवेट, पाइरूवेट होता है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में फिर ऑक्सीजन जुड़ती है तो बनता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। प्रॉपर रिएक्शन ये है, इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या बोल रहा है, ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, ये वाली जो प्रोसेस है पहला स्टेप जो है ये साइटोप्लाज्म में हो जाता है, और ये दूसरा स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसे कि क्या बोला जाता है, अवायु श्वसन बोला जाता है, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी भी कम बनती है, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा मैं आपको बोल जरूर रही हूँ डेफिनेशन में कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है कि हाँ ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, लेकिन कई बार कम ऑक्सीजन वाले को भी एनएरोबिक बोल देते हैं। ठीक है, जब कहीं पर कम ऑक्सीजन है ना तो उसे भी एनएरोबिक बोल देते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। देखो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है इसमें, एक तो क्या होता है आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट किसमें होगा, पाइरूवेट में। ये बात कहाँ पे होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, सेम टू सेम। अब पाइरूवेट जो है वो बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन नहीं है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी यहाँ पे, यहाँ पे बनेगी C2H5OH यानी इथेनॉल यानी शराब, यानी शराब। ठीक है, एक तो ये होता है, ये होती है ईस्ट के अंदर, कहाँ पे, यहाँ पर आप लिखोगे ईस्ट यानी खमीर के अंदर होती है, और दूसरा होता है इस पाइरूवेट से बन जाती है मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन की कमी में, लेस ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इट्स एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। या तो लैक्टिक एसिड होगा, कब होगा लैक्टिक एसिड, ऑक्सीजन की कमी में, और इथेनॉल कब होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो निकलेगी निकलेगी। ठीक है, इट टेक प्लेस इन मसल सेल एंड ईस्ट, इथेनॉल बनता है ईस्ट के अंदर, लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल के अंदर। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं स्टूडेंट, बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ना मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन, हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम सांस जोर जोर से लेते हैं, लेकिन हम कोशिश कितनी कर ले ऑक्सीजन कम जाती है अंदर, कम ऑक्सीजन जाने की वजह से वहां पर एनर्जी बनती है लेकिन साथ साथ में लैक्टिक एसिड बन जाता है और उसके जमने से वहां पर दर्द होता है। ठीक है, हेयर इन द मसल सेल, वही की वही मैं बोल रही हूँ, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरूवेट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी, मतलब ऑक्सीजन की कमी में पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ठीक है, और ईस्ट में क्या होता है, खमीर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे हैं इन ईस्ट ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यानी ऑक्सीजन की कमी में वो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना देता है। और इस प्रोसेस को आपको याद रखना है फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किण्वन की प्रक्रिया। इससे शराब बनती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, वो क्या करते हैं ग्लूकोज की जगह कोई भी जूस ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेप वाइन, सुना है आपने वाइन,
अंगूरों से बनती है, तो अंगूर के रस के ऊपर ये रिएक्शन करवाते हैं खमीर डालकर, तो अंगूरों से वाइन बन जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, चलिए आ जाइए वापस। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, किण्वन की प्रक्रिया बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किण्वन। ठीक है, शराब बनती है इससे। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की फॉर्म में बनती है। और एटीपी की फुल फॉर्म आप लोगों को भूलनी नहीं है किसी भी हाल में, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म है, भूलनी नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अब हम बात करेंगे कि फिर देखो दो स्टेप आपको पता लग गया, पहला है आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, और दूसरा है आपकी बॉडी के अंदर चल रहा है। तो जो अंदर वाली चीज है वो आपको पता लग गया कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। देखो आप सभी जानते हो कि एक सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पड़ी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप जान चुके हो एनर्जी बनती है, साइटोप्लाज्म में पहला स्टेप होता है। ठीक है, लेकिन जो सांस लेना और छोड़ना हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, ये चीज चलो जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर कौन कौन आता है, तो हमारे नथुने यानी हमारे नोस्ट्रिल्स आते हैं ये दोनों, फिर आती है नेवल पैसेज, अंदर का चैम्बर आता है, फिर आता है फेरिंग्स, बीच का रास्ता। देखो कुछ इस तरीके से ये हो गए आपके नेवल नोस्ट्रिल, फिर आता है ये नेवल चैम्बर। ठीक है, यहाँ पर आपका मुंह होता है, आप जानते हो। ठीक है, तो ये मुंह का रास्ता अंदर आता है, फिर ये नेवल चैम्बर के बाद ये क्या है, ये है नेवल चैम्बर यानी कि नेवल पैसेज, नाक की नली। ये क्या है, ये है नोस्ट्रिल यानी नथुने। फिर ये आती है फेरिंग्स, ठीक है, जिसे ग्रसनी बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद एक पीछे ट्यूब आ रही है, एक आगे ट्यूब आ रही है ना। तो ये जो आगे वाली ट्यूब होती है इसके ढक्कन को, यहाँ पे एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस के बाद ये क्या है, ये है हमारा लैरिंग्स। ठीक है, यानी कि देखो क्या होता है, हमारी फेरिंग्स क्या होता है, सबसे पहले याद रखो फेरिंग्स एक ऐसी जगह होती है जहां पर हमारा खाना और हमारा सांस दोनों पहुंचता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े, तो यहाँ पर नीचे आएगी ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद दो ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से बनेंगे हमारे लंग्स। ठीक है, चलिए तो ये आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाइओल्स मतलब ब्रोंकाई की डिवीजन है, लंग्स बन जाएंगे। लंग्स के अंदर अंदर क्या होती है, छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना होती है जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं या फुफ्फुस बोल देते हैं। रिब्स, पसलियां 12 होती है जो कि कवर करके रखती है लंग्स को, ये मैंने बात बता चुकी हूँ मैं आपको। डायफ्राम, नीचे एक मसल का बैंड होता है जो कि लंग्स को फूलने में और छोटा होने में मदद करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए वो फूलता है और ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए वो छोड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रिल्स यानी कि नथुनों से एयर अंदर घुसती है। फिर हेयर, जो नेवल हेयर होते हैं वो म्यूकस को, और जो म्यूकस होता है वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है आपके, ताकि गलत हवा जो है वो अंदर ना जाए, इसलिए बोलते हैं मुंह से कभी सांस मत लो, क्योंकि मुंह में कोई नेवल हेयर नहीं है जो कि डस्ट को पकड़ ले। तो आप अगर मुंह से सांस लोगे तो गंदी हवा अंदर जाएगी, क्योंकि डस्ट बहुत होती है हमारी हवा में। ठीक है, फिर वो जाती है फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, और फिर लंग्स के एल्वियोलाई में जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है जो ट्रेकिया होती है स्टूडेंट, अगर ये ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर ना इस तरीके से सी शेप के रिंग होते हैं, इन्हें बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के रिंग, ये इसलिए होते हैं ताकि चिपक ना जाए पाइप, पाइप चिपक ना जाए इसीलिए इसके ऊपर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हम हमारी जो एल्वियोलाई होती है स्टूडेंट, उससे ना ऑक्सीजन उसके पास पहुंचती है तो वो ब्लड में चली जाती है, और फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ जाती है, इस तरीके से प्रोसेस चलती है। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाइओल्स में टूटती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई बनाती है। ठीक है, और फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है यानी ऑक्सीजन का लेना देना होता है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो डायफ्राम है, नीचे की जो मसल है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो इकट्ठी होती है, जब वो इकट्ठी होती है वो नीचे चली जाती है, जब वो नीचे जाती है तो लंग्स को जगह मिलेगी, लंग्स फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, और फिर क्या होता है, जब छोड़नी होती है तो डायफ्राम वापस ऊपर चला जाता है, लंग्स छोटे हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी आप लोगों को। चलिए, तो ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, हमारे नेजल चैम्बर में सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं जो कि इनटेक ऑफ एयर करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं। फिर नेजल चैम्बर आता है जिसके अंदर नेजल हेयर होते हैं जो कि डस्ट और डर्ट को यानी मिट्टी को रिमूव करते हैं। फिर ग्रसनी आती है, ग्रसनी क्या है, ग्रसनी एक कॉमन पैसेज है, यानी हम बोल सकते हैं एक सामान्य मार्ग है जो कि दोनों के लिए होता है,
खाने के लिए भी और हवा के लिए भी। फिर आता है स्वर यंत्र, लैरिंग्स को स्वर यंत्र कहते हैं क्योंकि यहीं से आवाज निकलती है, ठीक है, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, हमारी बातचीत जो हम कर पाते हैं वो लैरिंग्स की वजह से ही कर पाते हैं। एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्लोटिस को ढकके रखता है, ठीक है, ताकि जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है वो ढक्कन बंद हो जाता है ताकि खाना कहाँ चला जाए, ईसोफेगस में चला जाए क्योंकि पीछे की तरफ ईसोफेगस होती है। ट्रैकिया जिससे कि हवा जा रही है, ब्रोंकाई फिर आगे डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकाइओल्स और एल्वियोलाई एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जहां पर ऑक्सीजन आके बैठती है, फिर वहां से ब्लड में जाती है, फिर ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड वहां आती है। फेफड़े क्या है, फेफड़े दो होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बाहर मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी में मौजूद होते हैं, दो होते हैं। फेफड़ों के ऊपर की तरफ 12 रिब्स होती है, ठीक है, 12 पेयर पसलियां होती है। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आप देख पा रहे हैं, ये है नोस्ट्रिल, फिर ये नेवल चैम्बर, ये फेरिंग्स आ गया, फिर लैरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गई, ट्रैकिया पेपर देख रहे हो आप सी शेप की रिंग्स, फिर ये दोनों ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकाई से अंदर की तरफ और जो निकली ये ब्रोंकाइओल्स है, और फिर आखिरी में ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ये जो थैलिया है ये है एल्वियोलाई, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक प्यारा सा डायग्राम जिससे कि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक है। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे क्या है, लंग्स है, लंग्स के ऊपर ये देख रहे हो आप गोले गोले से स्ट्रक्चर है, ये एल्वियोलाई है, ठीक है, बहुत सारी होती है एल्वियोलाई। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं नीचे की इमेज के ऊपर तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये रिब्स हैं, ये जो आपको दिख रही है ना ऊपर से पसलियां, ये पसलियां हैं, और इसके अंदर देखिए ये लंग्स जो है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये डायफ्राम है नीचे वाला, ये जब जैसे नीचे जाएगा लंग्स बड़े हो जाएंगे और उसके अंदर हवा भर जाएगी, और जब ये ऊपर जाएगा ये देखिए ऊपर चला गया तो लंग्स छोटे हो जाएंगे, ये ब्राउन कलर वाले लंग्स है, ठीक है, जैसे कि बैलून में होता है ना, बैलून में हवा जैसे ही आती है तो फूल जाते हैं बैलून, बिल्कुल वैसे ही हमारे लंग्स काम करते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे, हम लोगों की क्लास होती है खत्म, यानी कि रेस्पिरेशन चैप्टर होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।